Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of January 2020. So, 29th January 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, jinko TEMS portal join karna hai, to wo link se join kar sakte hai, niche likhi hui hai, comment and description mein. Jinko Indian Express ki aur Hindu ki PDF chahiye, wo bhi le sakte hai. December ka Indian Express bhi upload kar diya hai humne, aur December ka the Hindu bhi upload kar diya hai. Indian Express mein editorials aur explained pura section covered. तो आपको अगर चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से पहले. फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर टुडे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट C40 सिटीज. C40 सिटीज के बारे में स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड्स मेगा सिटीज कमिटेड टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द C40 सिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन एक्शंस दैट रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर टू इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट सर्वे 2019. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू द सर्वे कैटरैक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन पीपल अबव 50 इयर्स. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग ब्लाइंडनेस इज मोर प्रोनाउंस्ड अमंग इलिटरेट्स एज कंपेयर टू लिटरेट्स. थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इन एक्सेसिंग द ट्रीटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1, 2, and 3. 2 only, 1 and 2 only या 1 and 3 only. तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप करिएगा. बीच में एक दो क्वेश्चंस मैं और दूंगा आपको, बट प्लीज़ ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल्स. फर्स्ट, महाराजा ऑन सेल. दिस आर्टिकल जो लिखा गया ये एयर इंडिया के सेल के बारे में लिखा. आप सबको पता है कि एयर इंडिया को बेचने के लिए हम कितना प्रयासरत हैं, बट वो बिक नहीं रहा है ना. तो अब क्या है कि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन द लास्ट अटेम्प्ट टू सेल द एयर इंडिया. तो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ न्यू प्लान. ओके, तो क्या हुआ कि एज पर द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, अभी गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट इनवाइट किए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वी विल बी सेलिंग 100% इक्विटी इन द नेशनल कैरियर एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड. तो वो जो है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% अपनी इक्विटी जो है वो सेल करेंगे. एंड इट्स 50% होल्डिंग्स इन AISATS. तो और AISATS जो कि सिंगापुर के SATS के साथ एक जॉइंट वेंचर है, मतलब कि एयर इंडिया और SATS का जॉइंट वेंचर है. SATS जो है वो सिंगापुर की एयरलाइंस है, तो इन दोनों के बीच, तो उसकी 50% होल्डिंग को जो सेल करेंगे, मतलब 100% एयर इंडिया का प्लस AISATS के जो उन्होंने बनाया है जॉइंट वेंचर SATS लिमिटेड के साथ जो कि सिंगापुर का है, उसमें 50% वो सेल करेंगे, है ना. एंड अब देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है बेसिकली सेल क्यों करना ज़रूरी, क्योंकि एयर इंडिया जो है उसने लगभग 30,500 करोड़ उसमें डूब चुके हैं. 30,500 करोड़ हैव बीन सन्क इनटू एयर इंडिया. एंड एयर इंडिया एक तरीके से पैराडाइज बन चुका है केवल फ्री एयर ट्रेवल का बाय द MPs एंड MLAs. अगर आपको पता हो तो MP MLA क्या है, फ्री में एयर इंडिया से ही ट्रेवल करते रहते हैं. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो भी इस तरह से पोस्ट में, उनको एयर इंडिया की ही टिकट्स फ्री में रहती हैं. तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिस कारण से एयर इंडिया हमेशा नुकसान में चला है MPs MLAs के कारण, और 30,500 करोड़ लगभग उसमें डूब चुके हैं. ओके, एंड यही देखो कंसर्न और क्या है, बेचने में क्या कंसर्न है. बहुत अच्छी बात है ये आपको आंसर राइटिंग बहुत मदद करेगी, क्योंकि एयर इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर GS3 GS2 कुछ में किसी में पूछ लिया एयर इंडिया के बारे में, तो आप ये चीज़ें लिख देना कि देखो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं 17,984 उनका फेट बिल्कुल अनडिसाइडेड है इस सेल के कारण. उनके साथ क्या होगा, कोई भी अगर नया व्यक्ति उसको खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ही अगर एयर इंडिया को खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं 17,984 एम्प्लॉयज को रखूंगा? गवर्नमेंट की तो मजबूरी उसको रखना पड़ेगा, लेकिन क्या जो नया बायर रहेगा, जो प्राइवेट बायर रहेंगे, क्या वो इनको रखेंगे? दूसरी चीज़ कि इनका पेंशन का क्या होगा. आप सबको पता है गवर्नमेंट का पेंशन का प्लान रहता है कि आप रिटायरमेंट करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी. तो कोई भी व्यक्ति अगर एयर इंडिया को ले रहा है, तो वो फिर ये पेंशन लाइबिलिटीज़ को क्यों लेगा? ही दे विल नॉट बी टेकिंग द पेंशन लाइबिलिटीज़ ना. दिस इज़ द सेकेंड एरिया ऑफ कंसर्न. तो ये इनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, दूसरा उनकी पेंशन लाइबिलिटीज़ का क्या होगा. तो ये सारे इश्यूज हैं. गवर्नमेंट को आपको पता है गवर्नमेंट किसी को इस तरह से निकाल नहीं सकती है. इन 17,000 में भी 9,000 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट हो चुके हैं, जिनको कि आप इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते. तो दैट इज़ द मेजर इशू बिहाइंड दिस सेल, और यही इशू है जिसके कारण के इसका सेल हो भी नहीं पा रहा है. क्योंकि जो भी व्यक्ति रहेगा उसको सेल, अगर वो एयर इंडिया के स्टेक्स खरीद रहा है, तो बिल्कुल क्लीन स्लेट नहीं कर सकता ना, शुरू से नहीं शुरू कर सकता. उसको ये सारे लोगों को भी जो इसका बैकलॉग है उनको भी लेना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है ना. क्या करना चाहिए बेसिकली, क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑट टू हैव गॉन द होल हॉग एंड क्लियरली स्टेटेड इज इंटेंट.
एंड गवर्नमेंट को अपना पहले तो इंटेंट क्लियर कर देना चाहिए कि क्या करना है, और एट्रिशन के बारे में कि इन जो इम्प्लॉयज़ होंगे इनको निकालना है, कैसे रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें अगर वो क्लियर कर दें तो बिडर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बिडिंग कर सकते हैं। सेकंड जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, द कंटिन्यूइंग थीम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी। ये जो आर्टिकल लिखा गया एम के नारायणन ने लिखा है, और इसमें चैलेंजेस फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया इन 2020 है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं वर्ल्ड को और इंडिया को इन द ईयर 2020। तो अब देखो यहाँ पे एक एक करके उठाते हैं। पहला है जियो पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स में ऑथर ने बताया कि अगर आप देखो अमेरिका की लीडरशिप देखो तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में आ गई, चाइना के कारण काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में आ गई, प्लस अमेरिका का अगर आप प्रेसिडेंट का देखो तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी फॉल्ट लाइन्स चल रही है। यूनाइटेड किंगडम का फ्यूचर देखो तो वो बिल्कुल शेडो में है, ब्रेग्जिट होगा तो क्या होगा, इट इज़ अगेन अनक्लियर, है ना। यूरोप भी एक्लिप्स के अंदर दिख रहा है कि यूरोप का भी कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। सेंट्रल अमेरिका अपने आप में टर्मोइल में है, सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो भी टर्मोइल में है, एंड एशिया अफगानिस्तान अगर आप देखो तो क्रॉस रोड्स में है, सीरिया में इंस्टेबिलिटी है, लेबनान इजिप्ट में इंस्टेबिलिटी है, और सिविल वॉर कंडीशन इन एरियाज़ में आ गई है अगर आप देखो तो सीरिया इन सब एरियाज़ में। देन उसके बाद अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल हांगकांग का ले लो, हांगकांग में जहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम वाला सिस्टम चलता था तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो फ्रांस में हुए थे येलो वेस्ट मूवमेंट और इस तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिले, स्पेन में इंडिपेंडेंस का मूवमेंट कैटालोनिया वाले रीजन में देखने को मिला, कैटलन्स वाला। एंड ऑथर ने कहा कि दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड टाइम्स इन द रीसेंट हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड टाइम्स है ये रीसेंट हिस्ट्री के, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस समय कंट्रीज़ के ऊपर। इंडिया की प्रॉब्लम्स ऑथर ने अलग से हाईलाइट किया कि इंडिया की प्रॉब्लम्स देखो तो सबसे अधिक तो पॉलिटिकल टेंशन जो आई है CAA NRC एंड NPR के कारण, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन कारण से काफ़ी ज़्यादा टेंशन आई है, और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा टेरर इंपरेटिव आ गया है, CAA के कारण काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में अगर आप देखो तो। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अभी तक चैलेंजेस में है क्योंकि चाइना एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे नेबर्स को और हम नेबर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अभी भी अच्छे नहीं है, इंडिया चाइना के रिलेशंस भी रिडल्ड हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस भी सही नहीं चल रहे हैं। फिर चाइना अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव हो गया है पूरे एशिया वाले रीजन में, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे म्यांमार हो, इन सब कंट्रीज़ के साथ चाइना अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। जो श्रीलंका में लीडरशिप चेंज हुई है और राजपक्षा दोनों भाई आ गए हैं तो वहां भी हमारे लिए काफी अच्छे सिंबल्स मिल नहीं रहे हैं, वहां पे सिग्नल्स अच्छे नहीं है। बांग्लादेश के साथ अगर आप देखो तो ऑन पेपर तो आपको अच्छा रिलेशनशिप दिखेगा, लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारी अंडरलाइन फॉल्ट लाइंस हैं, प्लस स्पेशली आफ्टर दिस जो अभी इशू आया है आसाम NRC और डिपोर्टेशन का, उससे काफी ज्यादा अगर आपको दिख नहीं रहा तो टेंशन होने की संभावना है। देन ईरान के साथ भी हमारे रिलेशन प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं बिकॉज ऑफ USA टिल्ट, US के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चलेंगे तो ईरान के साथ थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि ईरान नहीं चाहता होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी कंट्री के साथ हम रिलेशन रखें जिसने ईरान को तबाह कर दिया ना, तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी हमको ईरान रिलेशन में भी देखने को मिल सकती है। इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है अगर आप देखो तो, इकॉनमी हमारे जो स्लो डाउन हमको देखने को मिला, ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है प्लस महंगाई बढ़ती जा रही है, तो स्टैगफ्लेशन टाइप जो कंडीशन आ गई इंडिया में वो सबसे पुअर कंडीशन है इंडिया की, सबसे बड़ा चैलेंज। तो ये सारे चैलेंजेस ऑथर ने हाईलाइट किए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, एक ओवरऑल स्टेटस आपको मिल गया होगा वर्ल्ड का, काफी अच्छी तरीके से ऑथर ने बताया था तो ये अच्छा था। अलार्मिंग स्प्रेड, अब ये जो है कोरोना वायरस पे, NCOV यानी कि नोवेल कोरोना वायरस पे है ये आर्टिकल, कि इंडिया में अभी भी नोवेल कोरोना वायरस का कोई केस नहीं बना। हमने क्या क्या चीज़ें की, बेसिकली कि हमने थर्मल इमेजिंग की है इन द एयरपोर्ट्स, जो लोग भी चाइना से आ रहे हैं उनकी थर्मल इमेजिंग की जा रही है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो नोवेल कोरोना वायरस जो है बेसिकली इसको वुहान वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये वुहान जो प्रोविंस है चाइना में वहाँ से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, और एक तरीके से निमोनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं NCOV में। और इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है NCOV का, वो SARS के और MERS के जो वायरस थे कोरोना, वह उनके भी कोरोना वायरस ही थे, लेकिन उनका जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंस था एंड नोवल कोरोना वायरस का डिफरेंट है। एंड नोवल कोरोना वायरस में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने को मिली है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपका पुणे में है, एक फैक्ट भी आपको बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे में है, ये भी यहाँ पे फैक्ट आपको मिलेगा। तो ये आर्टिकल भी था।
नाउ रीस्ट्रक्चरिंग और ब्यूरोक्रेटिक ओवरकिल. नाउ ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये रेलवे बोर्ड के रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर लिखा गया. अभी देखो क्या एक डिसीजन लिया गया कि रेलवे बोर्ड का रीस्ट्रक्चर किया जाएगा. कैसे? रीडिजाइनिंग द चेयरमैन एज चेयरमैन एंड सीईओ. तो सबसे पहले चेयरमैन को रीडिजाइन किया जाएगा. चेयरमैन की जो पोस्ट थी उसको अब रीडिजाइन करके चेयरमैन और सीईओ की पोस्ट रखी जाएगी. देन नंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मेंबर्स को डिक्रीज किया जाएगा. पहले क्या है 8 मेंबर्स थे तो अब उनको 4 मेंबर कर दिया जाएगा. एंड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको रेशनलाइज कर दिया जाएगा. ठीक है ना. एंड इंडक्शन ऑफ 4 मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द रेलवे हायरार्की टू इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी. और 4 मेंबर्स को रखा जाएगा जो कि रेलवे से बाहर के रहेंगे और उनको एडवाइजरी रोल में रखा जाएगा. ठीक है ना. दैट इज़ द थिंग. ये इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करने का, रीऑर्गेनाइज करने का सोचा जा रहा है. ठीक है ना. लॉन्ग सो ऑल्सो द लॉन्ग ओवर ड्यू अपग्रेडिंग ऑफ 27 पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 27 जो जनरल मैनेजर्स की पोस्ट है उनको अपग्रेड करके सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर किया जाएगा. क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न क्या है इस मेगा मर्जर का? बेसिकली इसको मेगा मर्जर कहा जा रहा है क्योंकि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक के अंदर डाला जाएगा. क्यों? बिकॉज अभी क्या है कि जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके अंदर सिलो मेंटेलिटी आ जाती है. सिलो मतलब कि वो अलग अकेले काम कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं है, कोऑपरेशन की भावना नहीं है. तो ऑथर ने कहा है कि बेसिकली ये इनका एक रीज़न ये है जो कि सिलो मेंटेलिटी को एंड करेगा ये चीज़. तो ये ऑथर के अकॉर्डिंग गलत है. ऑथर ने कहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये ब्यूरोक्रेटिक ओवर किलिंग है. बेसिकली सिलो मेंटेलिटी भी कभी कभी यूजफुल हो जाती है जब आदमी कंपटीशन की भावना में रहता है. तो क्या होता है कि ऑथर ने कहा है कि एक डिपार्टमेंट जो रहता था दूसरे डिपार्टमेंट से एटलीस्ट कॉम्पीट करेगा थोड़ा, एंड दैट कॉम्पिटिशन कैन बी हेल्दी. आपको करना ये चाहिए था कि एक इंडिपेंडेंट आप मॉनिटर रखते जो कि ये सारे डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर कर रहा है और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है. जैसे कि CDS अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो एक बॉडी है जो कि तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है. तो आपको इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो सकता है ये और ज्यादा आपका ब्यूरोक्रेटिक ओवरकिल हो जाए और ज्यादा आपका ठीक है ना, आपको रिक्रूटमेंट सिस्टम जो था वो प्रॉब्लमैटिक था. आपने गलत प्रॉब्लम पे बेसिकली कर दिया. एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो इसके बजाय अगर आप एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर रखते और वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता तो ज़्यादा बेटर था. दिस इज़ व्हाट द ऑथर सजेस्ट. ऑपेड पेज पे आते हैं. द मेनी रीजंस, द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ डिलेड डेटा. ये जो आर्टिकल है ये NCERB के डेटा के ऊपर लिखा गया है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय NCERB इन द पब्लिशिंग क्राइम डेटा. क्या क्या प्रॉब्लम्स NCERB फेस करता है जब वो क्राइम डेटा पब्लिश करता है. ऑथर ने कहा कि बहुत लोग बहुत क्विकली बोल दिए उन्होंने कि कई लोगों ने कमेंट किया कि NCERB का डेटा रिलायबल नहीं है, प्लस NCERB का डेटा यूजफुल नहीं है क्योंकि इसका काम केवल रिसर्च के लिए हो सकता है, बाकी कोई पॉलिसी मेकिंग के लिए इसका काम नहीं कर सकते. बट ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि आपको सबसे पहले चीज़ ये देखना चाहिए कि जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं NCERB वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल डेटा कलेक्शन के लिए या शोकेस करने के लिए बाकी बल्कि पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी. आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ें फॉल्ट में चल रही हैं तो आप ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि NCERB फेस करता है कि जब वो डेटा निकालता है, यही कारण है कि डिले हो जाता है डेटा. पहला जो रीज़न है वो ये है कि स्टेट्स की जो अप्रोच है वो बहुत गलत है. स्टेट से ही डेटा कलेक्ट करेगा NCERB. बेसिकली NCERB क्या करेगा, ये असेंबल करता है सारे जो स्टेट पुलिस के डेटा रहेगा उनको असेंबल करके एक करता है ना. अब सबसे पहले अगर पुलिस ही डेटा ना प्रोवाइड करे या स्टेट गवर्नमेंट ही मदद ना करे, कोऑपरेट ना करे, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा तो डिले होगा ही. दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि कई लोगों ने कंसर्न उठाया है कि यूटिलिटी ऑफ डेटा क्या है, क्या ज़रूरत है क्राइम का डेटा इकट्ठा करने की. तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ें उठाते रहोगे प्रॉब्लम, तो कंप्यूटराइजेशन होना डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ की अगर आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है तो भी आपको डेटा पता होना चाहिए. कोई भी चीज़ अगर आप पॉलिसी बनाते हो अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता कि क्राइम में भी सबसे ज़्यादा क्राइम कौन सा क्राइम है, तो आप किस क्राइम के लिए कोशिश करोगे, है ना, बचाने रोकने की. तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जो समय समय पर ये यूटिलिटी के ऊपर कंसर्न उठाते रहते हैं कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इस कारण से भी NCERB का भी मनोबल डाउन होता है और वो भी इस कारण से भी डेटा डिले हो जाता है. थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है पुलिस की प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है बेसिकली कि पुलिस क्या करती है कि कई बार FIR रजिस्टर ही नहीं करती है पब्लिक की. क्यों? क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि देखो क्राइम घट गया है ना. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है.
तीसरी प्रॉब्लम कि पुलिस जो है वो कॉपरेट नहीं करती है एंड वो डेटा को रिड्यूस करके दिखाना चाहती है। और वो कई बार ऐसा होता है देखने को मिला है कि वो FIR नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। तो ये एक तीसरी जो प्रॉब्लम है ये भी NCRB को ही फेस करनी पड़ता है। टू बी फेयर ऑथर ने कहा कि अगर हम फेयरली देखें तो NCRB बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम कर रही है, जस्टिफाई किया उसने अपने रोल को जस्टिफाई भी किया है। द ऑथर वॉज इन फेवर ऑफ NCRB, है ना, ये आपको याद रखना है। डिसेंट वोट वोंट हर्ट अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। अब ये आर्टिकल काफ़ी खास तो नहीं था, इसमें बस इतना ऑथर ने कहा है कि अगर कई लोग बोल रहे थे कि इंडिया में जो डिसेंट हो रहा है या इंडिया में जो इस तरह से अपोजिशन चल रहा है गवर्नमेंट का, इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऑथर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम के टाइम में हम ऐसी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे थे जहाँ पे रूलर्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव थे और हम प्राउडली उनके साथ घूमा करते थे, जब नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसी तरीके से जब वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर एंड हुआ तो भी ऐसा कई बार हमने देखा कि हमने कोऑपरेट किया है ऐसी कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे कि अपने आप प्रॉब्लम चल रही है इस तरीके की, पर हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सॉवरेन डिसीजन रहता है, किसी भी कंट्री का सॉवरेन मैटर रहता है, UN और ये सारी कंट्रीज़ उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है ना। तो आपके अंदर आपके कंट्री में अगर डिसेंट हो रहा है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को नहीं इफेक्ट करेगा, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन द आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब फ्रंट पेज पे आते हैं, न्यूज स्टार्ट करते हैं कि करके NPR इन द न्यू फॉर्मेट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। NPR के बारे में पहले आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ, NPR क्या है क्या नहीं है। NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपको पता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये देखो क्या है, NPR जो है बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर सारे पॉपुलेशन का रजिस्टर बनाया जाएगा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर रेसिडेंट है तो उसका नाम इसके अंदर आएगा, सिटीजन होना जरूरी नहीं उसके लिए, आप अगर आप रेसिडेंट भी हो तो आपका नाम NPR में लिखा जाएगा, इसीलिए NPR ज़्यादा बड़ा डेटा रहेगा, ठीक है ना, उसके अंदर NRC रहेगा। तो NPR क्या है बेसिकली, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जो भी रेसिडेंट है उनका डेटा। अब रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या रखी गई कि रेसिडेंट की डेफिनेशन वो लोग जो 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं या 6 महीने से ज़्यादा रहने का प्लान कर रहे हैं। तो इफ़ दे हैव रिसाइडेड फॉर 6 मंथ और इफ़ दे आर प्लानिंग टू रिसाइड फॉर मोर देन 6 मंथ देन दे विल कम अंडर द रेसिडेंट डेफिनेशन, ठीक है ना। क्या NPR ये पहली बार हो रहा है, तो नहीं, 2003 में रूल्स आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स, उसमें NPR का जिक्र किया गया था NPR के बारे में। एंड द फर्स्ट टाइम NPR डेटा वॉज कलेक्टेड इन 2010, 2010 में पहली बार NPR डेटा कलेक्ट हो चुका है। इन 2015 दिस डेटा वॉज मॉडिफाइड ऑल्सो, अपडेट भी किया गया था। नीतीश कुमार का कहना यह है कि आप जब ये चीज़ 2010 से हो रही है, 2010-11 से, तो आप इसको वही फॉर्मेट में रखो NPR को जो फॉर्मेट पहले था। नया फॉर्मेट अगर आप करोगे जिसमें पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का प्लेस ऑफ रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, देन दैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। दिस इज वॉट ऑथर सेड एंड दिस इज वॉट नीतीश कुमार सेड, एंड यही कारण है कि जो लोग हैं वो अपोज भी कर रहे हैं NPR का, ठीक है ना। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि NRC नहीं होने वाली इस कंट्री में, तो दैट हैज ऑल्सो बीन सेड। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि जो CAA है वो सुप्रीम कोर्ट अंदर है, तो एक तरह से नीतीश कुमार का अगर देखा जाए तो मन नहीं है NPR का, ये भी क्लियरली दिख ही रहा है ना। अगला देखते हैं न्यूज इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन चीता टू प्रॉल इंडियन फॉरेस्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले का बैन हटा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का स्टे लगाया था। देखो सबसे पहली बात क्या हुआ था, एक प्रपोजल आया था 2012 में, एक प्रपोजल आया कि पालपुर कूनो नाम की सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, पालपुर कूनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, पालपुर कूनो वर्ल्ड सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहां पे चीता लाने की बात की जा रही थी, फ्रॉम अफ्रीका से चीता लाने की बात की जा रही थी, नामीबिया वाला जो रीजन है वहां से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का इस पे बैन लगा दिया कि नहीं, आप इस तरह से चीता नहीं लाओगे। क्यों बैन लगाया बेसिकली, क्योंकि उस समय लॉयन लाने की भी बात चले, देयर वाज अ पैरेलल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, वहां पे रीइंट्रोड्यूस करना था लॉयंस को, पालपुन कूनो में ही लॉयन को रीइंट्रोड्यूस करना था। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा ना हो कि ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करना है और लॉयंस का इंट्रोडक्शन ना हो पाए, ठीक है ना। तो बेसिकली 2012 के मई में उन्होंने ये बैन लगाया था 7 साल का, और 2019 तक वो चला। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है, एंड दे हैव सेड दैट ओके, आप अफ्रीकन चीता जो कि नामीबिया से आएंगे, यू कैन ब्रिंग देम ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस टू इंडिया, एंड वो आएंगे पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना।
एंड यहाँ पे NTCA को उन्होंने असिस्ट करने की बात की एक 3-member कमेटी के द्वारा। 3-member कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आपके फॉर्मर डायरेक्टर रहेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रंजीत सिंह, DG वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया धनंजय मोहन, और DIG जो वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के हैं, उनको इन 3-member की कमेटी बनाई गई जो कि गाइड करेगी NTCA को। अब NTCA का नाम आया तो मैं आपको NTCA के बारे में बताता हूँ। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA है। ये बनी थी दिसंबर 2005 इट वॉज फॉर्म फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसने दिसंबर 2005 में इसका रिकमेंडेशन दिया और फिर उसको दिसंबर 2005 में बनाया गया जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब NTCA का अगर जिक्र अगर आप पूछे कि कौन से एक्ट में है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके उसको अमेंड करके NTCA का जिक्र किया गया है, उसको अमेंड करके NTCA को उसके अंदर डाला गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप सबने सुना होगा, 1973 से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर भी 1972 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली 1972 से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वही देखती है बेसिकली इस चीज़ को, आपका प्रोजेक्ट टाइगर की चीज़ों को भी मॉनिटर करती है और ये अप्रूव करता है स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स को, जो टाइगर कंजर्वेशन के स्टेट गवर्नमेंट्स के प्लान होते हैं उनको अप्रूव करने का काम करता है। ये ले डाउन करता है क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या मेजर्स होंगी। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द रिपोर्ट टू बी लेड एंड हर 4 साल में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1973 में स्टार्ट हुआ था, हर 4 साल में NTCA टाइगर सेंसस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, UPSC पूछ चुका है कि कितने सालों में करता है, UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इट कंडक्ट्स द फॉरेस्ट टाइगर सेंसस इन एवरी 4 ईयर। इट इज प्रेजेंटली अंडर MOEF, एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि MOEF के अंदर आती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट होता है, उसको भी मॉनिटर करने का काम NTCA का ही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेजेस में आते हैं तो यहाँ पे NGT सेट्स अ पैनल टू ओवरसी रिमूवल ऑफ डेब्री फ्रॉम माराडू। माराडू कम्युनिटी, आपके पता होगा कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी उनको गिराने का ऑर्डर आ गया था ना, कोर्ट ने उनको गिराने का ऑर्डर दे दिया था। तो अब वहाँ पे जो डेब्री कलेक्ट हो चुका है उसको NGT ने एक पैनल बनाया है कि आप उस डेब्री को कलेक्ट करके हटवाओ वहाँ से, ये NGT का है। तो NGT जब न्यूज़ में आया तो बता दो NGT के बारे में, NGT बेसिकली बना था NGT एक्ट ऑफ 2010 से, 2010 में NGT एक्ट आया था उसके थ्रू बना। अब एक्ट के थ्रू बना इसलिए कैसी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जो एक्ट से बनती है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है और एक्ट से भी नहीं बनी है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी एक तरीके से, एग्जीक्यूटिव बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो NGT क्या इंडिया पहली कंट्री जिसने NGT लाया, तो नहीं, इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT। फर्स्ट कंट्री जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, दूसरी कंट्री जो थी वो न्यूजीलैंड थी जिसने NGT लाया, इंडिया तीसरी कंट्री जिसने NGT लाइक मैकेनिज्म लाया। अब NGT बेसिकली जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस रहते हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड उनको देखने के लिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए बनी है। तो 6 महीने के अंदर इनको सॉल्व करना पड़ता है केसेस को, 6 महीने के अंदर इनको जजमेंट देना पड़ता है, 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है NGT के पास। NGT बहुत सारे केसेस को देखती है जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो केसेस आएंगे या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो केसेस आएंगे सारे NGT में ही जाएंगे, किसी सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ओके, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से वो बाउंडेड नहीं रहते हैं, बट दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, ये याद रखना है। 2 एक्ट्स को ये मॉनिटर नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 2 एक्ट को मॉनिटर नहीं करते हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसको ये देखते नहीं है, दूसरा आपका ये एक एक्ट है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, तो ये याद रखेगा 7227, ये दोनों एक्ट्स के केसेस को NGT में नहीं लाया जाता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, तो ये याद रखेगा। एक्टिविस्ट स्लैम्स रजनीज मैन वर्सेज वाइल्ड शूट एट बांदीपुर, तो यहाँ पे मैन वर्सेज वाइल्ड शूट हुआ था रजनीकांत का इन द बांदीपुर, तो उसको काफी एक्टिविस्टों ने बोला कि गलत किया। बांदीपुर का बस लोकेशन याद रखना आपको, इट इज इन कर्नाटका, ओके, बांदीपुर इज इन कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक जब आप केरल की तरफ जाओगे, वायनाड के रूट, वायनाड जाते हो ना, तो बीच में पड़ता है बांदीपुर, है ना, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटका में, ये भी याद रखना। अगली न्यूज़ देखते हैं, 10 more वेटलैंड्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, तो इंडिया ने 10 और वेटलैंड्स को इंक्लूड कर दिया है रामसर कन्वेंशन के अंदर, ओके, 10 नई साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी केशवपुर मियानी है, ओके, केशवपुर मियानी ये महाराष्ट्र में है, देन ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगल इन पंजाब,
यहाँ पे दो पंजाब से है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नांगल इन पंजाब, एंड नवाबगंज और पार्वती, ये पार्वती आगरा, समान, समसपुर, सांडी एंड सराई नरवर, ये उत्तर प्रदेश की जगहें हैं, याद रखिएगा, नवाबगंज, पार्वती आगरा एंड समान, समसपुर, संडी एंड सरसाई नावर, ओके, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अदर जो साइट्स हैं वो राजस्थान, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, आपका आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा में है, ठीक है ना। अब टोटल जो है इन 10 साइट्स को इंक्लूड करने के बाद आपका 37 साइट्स होंगे कंट्री में जो कि रिकॉग्नाइज की जा चुकी है। 37 साइट्स आर नाउ अंडर द रामसर साइट्स, ओके, याद रखिएगा, टोटल 37 साइट्स कंट्री में है जो कि रामसर साइट्स के अंदर आ गया है, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? बेसिकली रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में इन ईरान, देयर इज अ सिटी इन ईरान, रामसर नाम की सिटी है ईरान में, एंड वहाँ पे हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का इकोलॉजिकल कैरेक्टर प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली इनको रखा, ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ये कन्वेंशन हुआ, रामसर नाम की जगह जो है वो ईरान में है, वहाँ पे वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए किया गया, ठीक है ना। मैंने यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी हैं, वैसे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि नोटिफाई किए गए। इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद यूएन सिस्टम, याद रखेगा, इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद यूएन। एंड वेटलैंड डे जो होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स बेसिकली वो साइट्स हैं जहाँ पे पहले इंडिया में 26 थी, अब 37 हो गई हैं आज की इंक्लूड करके, बीच में एक सुंदरबन को भी डाला गया था, तो अब टोटल 26 थी पहले, फिर एक आई बाद में सुंदरबन वाला जो रीज़न है वो आया, तो 27 हुई, अब 10 और आ गई तो 37 हो गई। इंडिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रामसर का 1981 में बना, इसके साथ एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी होता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड यानी कि ये 1996 में ब्रिस्बेन में अडॉप्ट किया गया, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड ब्रिस्बेन में 1996 में अडॉप्ट किया गया, एंड मॉन्ट्रैक्स अपने आप में कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, अडॉप्ट ब्रिस्बेन में किया गया 1996 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, लेकिन मॉन्ट्रैक्स स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना। ये वो रजिस्टर है उन वेटलैंड साइट्स का जो कि जिनका कैरेक्टर चेंज हो गया है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, अब इनके अंदर वो और जो मोस्ट डिग्रेडेड वेटलैंड्स होते हैं ना वो उनके अंदर आते हैं ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर। इंडिया में केवलादेव और लोकटक लेक जो है वो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर है, केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक, दीज टू आर अंडर दिस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। पहले चिल्का लेक भी थी लेकिन 2002 में उसको हटा दिया गया, चिल्का लेक, केवलादेव और लोकटक तीनों थे लेकिन बाद में चिल्का को हटा दिया गया मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से, तो अब केवल केवलादेव और लोकटक ही मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर है। 1996 में ब्रिस्बेन में ये अडॉप्ट किया गया था, और मॉन्ट्रैक्स अपने आप में जगह कहाँ पर है? वो स्विट्जरलैंड में है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब मैं आपको एक बार रामसर साइट्स दिखा भी देता हूँ, ये मैंने ही पढ़ाया था पहले, या आपको दिख रहा होगा वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर रीजन में वुलर लेक, होकेरा लेक, सुरिनसार, सोमोरीरी लेक, ये आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले यूटीज से आ गई हैं। देन आपका पंजाब वाले रीजन में पोंग डैम लेक, कंजली लेक, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, चंद्रताल, रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है आपका। फिर पंजाब में आपका कंजीली, हरिके, रोपर, ये मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा मिल जाएगी। देन राजस्थान में सांभर लेक, केवलादेव आपका मिलेगा। गुजरात में नाल सरोवर मिलेगा। केरला में वेम्बनाड, शस्तमकोट्टा, अष्टमुडी, ये मिलेगा। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। देन कोल्लेरू लेक मिलेगा आपको इधर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कोल्लेरू मिलेगा। देन उड़ीसा में चिलिका लेक मिलेगा एंड भितरकनिका रिजर्व्स, मैंग्रोव्स मिलेंगे। अब यहीं पर सुंदरबंस भी इंक्लूड हो गए थे, तो 26 साइट्स आपको ये देखिए, ये आपको पुरानी फोटो है, 26 साइट्स है इसमें, एक जुड़ा सुंदरबन 27 साइट, और आज की 10 अगर आप जोड़ देंगे तो 37 साइट्स हो जाएंगी टोटल, ठीक है ना, याद रखना। एंड इसके बाद आपको असम में दीपोर बिल मिला, फिर आपको मणिपुर में लोकटक लेक मिला, फिर रुद्र सागर मिला आपको त्रिपुरा में, है ना, एंड कलकत्ता में एक और मिला, ईस्टर्न कलकत्ता वेटलैंड्स मिला, और लोकटक जो है वो मॉन्ट्रैक्स के अंदर है, केवलादेव मॉन्ट्रैक्स के अंदर है, ये भी आपको मैप में बता दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल, आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगा होगा। एक और न्यूज़ आइटम यहाँ आपको दिख रहा होगा, नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन वेनिला टू हेल्प मेडागास्कर, ओके, याद रखेगा, नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन वेनिला को इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल डिजास्टर इन मेडागास्कर, ओके, मेडागास्कर को नेशनल डिजास्टर से बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बेसिकली नेवी ने ऑपरेशन वेनिला लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। एंड
यहाँ पे INS एरावत जो है उसको डाइवर्ट किया गया है फॉर हेल्पिंग द मेडागास्कर रीजन। तो याद रखिएगा मेडागास्कर को बहुत ज़्यादा साइक्लोन से हिटिंग हो गई थी और साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लगभग 92,000 लोग से 92,000 से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए ऑपरेशन वनीला नेवी ने लॉन्च किया है, ये याद रखना। अगले पेज पे आते नहीं थे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। ईयू मोशन कॉल CAA डिस्क्रिमिनेटरी। अब ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने एक मोशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि CAA यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, रीजन बेसिस पे किया गया है इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आंसर राइटिंग के समय आप अगर आप अपोज कर रहे हैं CAA का या क्रिटिक लिख रहे हैं तो आप उसमें ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। EU के बारे में बताओ तो एक 28 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि एक तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह काम करता है। 19 इनमें से कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि यूरो ऑफिशियल करेंसी है। 9 मेंबर ऐसे हैं जिसमें कि बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ये यूरो यूज़ नहीं करते, इनकी खुद की कम्युनिटी है, खुद की करेंसी है। सबसे पहले हिस्ट्री में देखें तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि EEC बना था ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू 1957 में, जो कि ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2007 से ये बंद हो गया, उसमें फिर ये EU के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई, यानी कि यूरोपियन यूनियन, पहले EEC था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था। शेंजन एग्रीमेंट 1985 में आया था। कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताता जा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल UPSC में कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लें। शेंजन एग्रीमेंट 1985 में आया था जिसमें कि ओपन बॉर्डर्स विदाउट पासपोर्ट का रिजीम स्टार्ट हुआ था, शेंजन एरिया बनता है इससे 1985 में, और 1995 में ये इफेक्टिव हो गया था। 1992 में मास्टर्स ट्रीटी आती है जिसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। 7 फरवरी 1992 को ये ट्रीटी साइन की गई थी, ओके ये भी याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स इज इन नीदरलैंड, नीदरलैंड में है। फिर यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो हैं बेसिकली वो सारी यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत ला दी गई एंड यूरोपियन सिटीजनशिप क्रिएट की गई जिसमें कि सिटीजन्स जो थे वो इन सारे मेंबर स्टेट्स में इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये EU के बारे में बेसिक बता दिया मैंने आपको, याद रखना। नो वन नोज इफ इंडिया इज इन रिसेशन और नॉट, अभिजीत बैनर्जी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि रिसेशन के बारे में आप बता दो। रिसेशन बेसिकली एक डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का पीरियड होता है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर रही हो फॉर मोर देन 2 क्वार्टर्स। जब लगातार 2 क्वार्टर्स में आपकी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही हो तो फिर आप रिसेशन के स्टेट में आ जाते हो। प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन को डिप्रेशन कहा जाता है। अगर रिसेशन और ज़्यादा बढ़ गया, 4 से 6 क्वार्टर में फैल गया तो वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। याद रखना कि प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज नोन एज डिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बोडोज जुबिलियंट आफ्टर साइनिंग ऑफ द बोडो अकॉर्ड। द थर्ड बोडो अकॉर्ड साइन किया गया है इस बार, द थर्ड बोडो अकॉर्ड हैज़ बीन साइंड आफ्टर 1993 से ये बोडो का जो इशू चल रहा है उसके बाद अब ये तीसरा बोडो अकॉर्ड साइन किया गया जिसको कि हिस्टोरिक बोडो अकॉर्ड कहा जा रहा है, इट इज़ नोन एज द हिस्टोरिक बोडो। तो याद रखना अभी अगर आपसे कोई पूछे कि अभी रिसेंटली कब साइन किया गया तो ये अभी रिसेंटली बोडो अकॉर्ड साइन किया गया है। तो ये बेसिकली असम में ये लोग रहते हैं बेसिकली, आपको याद रखना कि असम के अंदर एक रीजन है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, BTAD जिसको कहा जाता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली बता रही है कि हर कम्युनिटी के बारे में सोचा गया है, चाहे वो बोडोज हो चाहे नॉन बोडो कम्युनिटी हो, अगर वो BTAD यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो उन सब के लिए काफ़ी कुछ ऑफर करता है ये हिस्टोरिक अकॉर्ड। तो इस अकॉर्ड को काफ़ी हिस्टोरिक बताया जा रहा है और अब नागाज भी डिमांड कर रहे हैं कि उनका भी इशू जो है पॉलिटिकल उसको सेटलमेंट किया जाए। वर्ल्ड पेज पर आते हैं देखते हैं न्यूज़, डिफाइंग US, UK गिव्स 5G रोल टू हवाई। तो याद रखना कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में US को 5G ना दे करके हवाई जो चाइनीज़ कंपनी उसको ये दे दिया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे UK US के बीच में रिलेशन समझ में आ जाएंगे। 5G के बारे में बताऊँ तो 5G जो है नेक्स्ट जनरेशन है जो कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी कि बियॉन्ड LTE नेटवर्क्स को यूज़ करेगी, बियॉन्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क्स को यूज़ करेगी। और स्पीड आप सबको पता है कि GB में स्पीड आने वाली है यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड रहेगी, 2 to 5 GB per second। 4G में जो स्पीड थी वो 25 MBPS तक आती थी बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में, केवल 25 MBPS था, नाउ स्पीड जो रहेगी वो GB में रहेगी। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी इसका, एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते, देखो इसकी स्पीड जो पीक डाटा है वो 20 GB per second तक रहेगा, है ना, एंड डाउनलोड लिंक जो रहेगी वो अपलिंक जो रहेगी वो अपलोड वाली 10 GB per second तक रहेगी, डाउनलोड 20 GB per second तक। लेटेंसी बहुत कम है इसमें, लेटेंसी क्या होता है बेसिकली कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने में जो टाइम लगता है डेटा को वो लेटेंसी कहलाती है। तो इसमें लेटेंसी बहुत कम है यानी कि डेटा बहुत जल्दी सोर्स से डेस्टिनेशन पर आ जाएगा।
IoT में यूजफुल रहेगा ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो IoT का मतलब क्या था, जैसे कि मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने घर का AC बंद करना भूल गया, तो मेरे पास एक सिस्टम रहेगा जिसमें इंटरनेट के थ्रू मेरा AC भी कनेक्टेड रहेगा और मैं ऑफिस से भी अपने AC को बंद कर सकता हूँ। ऐसे मैंने अगर गाड़ी बाहर रखी है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, तो मैं उससे भी कनेक्टेड रहता हूँ अगर इंटरनेट से। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला कि हर चीज़ को, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करके आप जहाँ चाहो वहाँ से यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं रहेगा। तो ये एक बेसिकली चीज़ है IoT के अंदर। तो ये सारी पॉसिबल है आपकी 5G के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हो इससे। ट्रंप अनवील्स द वेस्ट एशिया प्लान, पैलेस्टीनियंस प्रोटेस्ट। तो अब ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक वेस्ट एशिया प्लान निकाला है। वेस्ट एशिया प्लान ने क्या है बेसिकली, कि US विल रिकॉग्नाइज द इजरायली सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड इन द वेस्ट बैंक। US जो है इजरायली सेटलमेंट्स को इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने जो मेन किया है बेसिकली ये बोला है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट किया जाएगा विद कैपिटल ईस्टर्न जेरूसलम को कैपिटल बना करके पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट किया जाएगा। एंड उसके बाद बेसिकली इस कन्फ्लिक्ट को, जो कन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इसराइल का, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आए थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। इसराइल क्या करेगा बेसिकली, 4 साल का एक फ्रीज एग्रीमेंट साइन करेगा, है ना, जब तक कि पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड वाला इशू है वो सॉल्व नहीं होता। एक तरीके से पैलेस्टीन के लिए तो सब कुछ अंधेरे में ही रहेगा कि क्या वो इसको स्टेटहुड मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्लियरिटी नहीं है, इसलिए पैलेस्टीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन याद रखना कि US जो है वो एक वेस्ट एशिया प्लान के साथ सामने आया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।